Hello students, we are going to read poem of sixth class. Where do all the teachers go? Sabhi teachers kahan chale jaate hain? Okay. For a little child, a teacher is special. Chote bachche ke liye uska teacher hota hai, wo special hota hai. It is a difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. तो एक जो छोटे बच्चे के लिए ये डिफ़िकल्ट है समझना, ये सोचना कि उसका जो टीचर है एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, ठीक है, उसे दूसरे लोगों के समान समझना मतलब डिफ़िकल्ट है. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं. व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 o'clock हो जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी सॉक्स जो हैं वो वॉश करते हैं. डू दे वियर पजामा, क्या वो पजामास पहनते हैं. एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजल्स द सेम ए यू एंड मी, और क्या वो नाक में से नाक अपना साफ करते हैं या फिर नाक में से कुछ निकालते हैं जैसे हम और तुम, मीन्स जो बच्चे हैं जैसे करते हैं, ठीक है, नाक में जो फिंगर्स डाल के करते रहते हैं, ठीक है. तो ये बच्चे की जो माइंड की जो क्वेश्चंस हैं वो हैं. डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं. हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्स और डैड्स होते हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या कभी वो बच्चे भी थे. एंड वर दे एवर बैड, और क्या भी कभी क्या वो बच्चे बुरे बच्चे भी रहे होंगे. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी भी कोई स्पेलिंग गलत नहीं राइट की थी. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी भी मिस्टेक्स की थी. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कॉर्नर में पनिश करके खड़ा कर दिया जाता था. इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स, अगर पिंच करते थे चॉकलेट फ्लैक्स को. डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक, मतलब जो पोएम वगैरह वाली या भजन कीर्तन वाली बुक है, क्या आप उन्होंने गुम की है अपनी कभी. Did they ever leave their greens? क्या उन्होंने कभी जो greens vegetables हैं अपनी कभी ना खा के इधर उधर छोड़ी हों. Did they scribble on the desktops? क्या उन्होंने कभी अपने desktop जो बेंच वगैरह होता है वहाँ पे क्रोचे मारी है अपनी पेन से या स्केल से. Did they wear old dirty jeans? क्या वो old dirty jeans पहनते हैं. I'll follow one back home today, कि मैं एक दिन क्या है घर जाते हुए टीचर को फॉलो करूँगा. I'll find out what they do, और मैं फाइंड करूँगा कि वो क्या करते हैं. Then I'll put it in a poem, तो बाद में मैं इसे poem में क्या है write करूँगा. That they can read to you, तो जो क्या है आप इसे read कर सकें. Thank you, it was really nice poem.